हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलयन चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अणु संघ के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए जानते हैं अणु संघ के गुणधर्म क्या होता है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दोस्तों, विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेयक अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अणु संघ के गुणधर्म कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी विलयन का वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर न करता हो, उसे अणु संघ के गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन में कौन सा विलेय मिला हुआ है, उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, इस पर डिपेंड न करे, लेकिन उसके अंदर कितने विलेय के कण घुले हुए हैं, इस पर निर्भर करने वाले विलयनों के गुणधर्म को अणु संघ के गुणधर्म कहा जाता है। विलयनों के जो महत्वपूर्ण अणु संघ के गुणधर्म होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे एक होता है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा अणु संघ के गुणधर्म होता है परासरण दाब। तो अणु संघ के गुणधर्म का मतलब ये होता है कि किसी विलयन का ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर न करता हो, उसे अणु संघ के गुणधर्म कहते हैं। तो अणु संघ गुणधर्म कुल चार प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो इन सारे अणु संघ के गुणधर्मों को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या होता है। दोस्तों, किसी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी अवनमन उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह हुआ, यदि किसी विलायक में, जैसे ये मान लेते हैं कि एक विलायक है, तो इस वाष्प दाब, इस विलायक का एक वाष्प दाब होगा, एक वाष्प दाब होगा जिसको इस विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। लेकिन जब इस विलायक में हम कोई विलेय मिला देते हैं, जब इस विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि इस विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो इस विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आती है, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। यदि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब P हो, जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए ये एक विलयन है, शुद्ध विलायक है ये, तो इसका जो भी वाष्प दाब है, अगर हम उसको P0 से प्रदर्शित करें और यदि इसमें एक विलयन भरा गया है, यानी इसमें विलायक के अंदर विलेय मिला दिए गए हैं, तो इसका जो वाष्प दाब होगा, यदि हम उसको P से डिनोट करें, तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा, यानी वाष्प दाब में जो कमी होगी, वो P0 - P के बराबर होगी। और वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन होता है, वो होता है P0 - P/P0। तो P0 - P/P0 को वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने राउल्ट के नियम में भी पढ़ा हुआ है, राउल्ट के नियम के अनुसार P0 - P/P0 बराबर x विलेय होता है। ये राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोगों को पता है कि वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन होता है, वो उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ये है वाष्प दाब में अवनमन, यानी किसी भी यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उस विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख पा रहे होंगे, ये एक प्योर सॉल्वेंट है, यानी शुद्ध विलायक है, तो इसके वाष्प दाब को अगर नापा गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसका वाष्प दाब यहाँ पे 3 दिखा रहा है, लेकिन इसी विलायक में यदि कोई विलेय पदार्थ मिला दिया गया है जो अवाष्पशील है, तो हम ये देखेंगे कि इसके वाष्प दाब में कमी आ गई है, यहाँ पे 2 दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी कहते हैं। और राउल्ट के नियम के अनुसार P0 - P/P0 बराबर x विलेय होता है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इनलार्ज किया जाए, जिसे राउल्ट के
नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार हम ये देखते हैं कि पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो बराबर होता है एक्स विलेय या पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो बराबर हम एक्स विलेय को एन अपॉन एन प्लस एन लिख सकते हैं, जहां पे एन होते हैं विलेय के मोल और कैपिटल एन होता है विलायक के मोल, या इसी को थोड़ा सा और इनलार्ज किया जाए तो पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो बराबर होता है डब्लू अपॉन एम, फिर यहाँ पे इस एन की वैल्यू डब्लू अपॉन एम और प्लस कैपिटल डब्लू अपॉन एम डैश। तो वाष्प दाब में सापेक्ष आवर्तन निकालने के कुछ ये फॉर्मूले हैं। यदि तनु विलयन हो तो n का मान जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कम होता है कैपिटल n की तुलना में। तो इसी फॉर्मूले को p0 माइनस पी अपॉन पी जीरो को मॉडिफाई करके n अपॉन n के रूप में भी लिखा जा सकता है, या p0 माइनस पी अपॉन पी जीरो इक्वल डब्लू अपॉन एम डब्लू अपॉन एम डैश, या p0 माइनस पी अपॉन पी जीरो इक्वल डब्लू अपॉन एम इंटू एम डैश इंटू कैपिटल डब्लू। ये फॉर्मूला बनता है जहां पर P0 का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल W का मतलब होता है विलय का दिया गया भार, कैपिटल M का मतलब होता है विलय का अणु भार, M डैश का मतलब होता है विलायक का अणु भार और कैपिटल W का मतलब होता है विलायक का दिया गया भार। तो इस फॉर्मूले से वाष्प दाब में सापेक्ष आवर्तन के सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरा एक अणु संघ गुणधर्म जिसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन को जानने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक का मतलब होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई विलायक उबलने लगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, या इसको दूसरे रूप में अगर कहा जाए तो वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 373 केल्विन पर शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो ऐसे ही उसका क्वथनांक कहते हैं। चलिए क्वथनांक के बाद अब जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब हुआ कि यदि किसी विलायक में, जैसे ये जल है, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, जैसे मान लीजिए इस चम्मच में कोई अवाष्पशील विलेय है, जैसे मान लेते हैं कि नमक है और ये जल है, तो हमको पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब इसमें हम नमक मिला देंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसका परिभाषा ये होता है कि जब किसी विलायक में
कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। और क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, या डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम होता है, जहां पर के बी एक स्थिरांक होता है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन में निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम एक रूप में और अगर प्रदर्शित करें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इंटू, अब यहाँ पे स्मॉल एम यानी मोललता का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, तो मोललता का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 इंटू यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है जिससे कि क्वथनांक में उन्नयन के सवालों को सॉल्व किया जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर बीकर में शुद्ध पानी रखा हुआ है, तो इसका जो क्वथनांक है हम मान लेते हैं कि इसका क्वथनांक है होगा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिल जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मान लेंगे कि इसका क्वथनांक बढ़ करके 102 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। चलिए जैसे कि इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ में इधर की तरफ टेम्परेचर ताप को दिखाया जा रहा है, इधर की तरफ वाष्प दाब को दिखाया जा रहा है। यह है एक एटीएम यानी वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटीएम, ये जो लाइन दिखाई जा रही है ये वन एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब को दिखाया जा रहा है, यह है वन एटीएम। तो अगर हमने विलायक लिया हुआ है तो इसका जो वाष्प दाब है ये जब हम इसको गर्म करते हैं यानी टेम्परेचर जब इसका इंक्रीज होता है धीरे धीरे इसका वाष्प दाब बढ़ता है, और ये इसके जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये उबलने लगता है। तो ये हो गया विलायक का क्वथनांक, यानी ये जो टेम्परेचर हुआ ये हो गया विलायक का क्वथनांक। लेकिन जब हम विलयन लेते हैं तो यहाँ पे ये विलयन का है वाष्प दाब, जब हम इस विलयन को गर्म करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसका भी वाष्प दाब बढ़ता है और जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये विलयन उबलने लगता है, जिसको विलयन का क्वथनांक कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये इसका क्वथनांक है, तो इसको हम यहाँ पे टी बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसको टी बी जीरो से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यदि हमको क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ इसको निकालना होगा तो डेल्टा टी बी इज इक्वल होगा टी बी यानी विलयन का क्वथनांक माइनस टी बी जीरो यानी विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देंगे तो क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है ये निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि विलयन का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस था और जो शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल था उसका क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके क्वथनांक में 2 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हुआ है, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरे अणु संघ गुणधर्म के बारे में, जिसको कहते हैं हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये हिमांक क्या होता है, हिमांक जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, यानी किसी भी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर वह ठोस में बदल जाता है वह उसका हिमांक कहलाता है, या इसकी एक और परिभाषा ये होती है कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे उसका हिमांक कहते हैं यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल का हिमांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका अर्थ है कि 273 केल्विन पर शुद्ध जल बर्फ में बदल जाता है, यानी 273 केल्विन द्रव का हिमांक हो गया। चलिए अब जानते हैं कि हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। हिमांक तो जान लिया कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। अब जानते हैं कि हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं।
अवर्मन का मतलब होता है कमी। तो हिमांक में अवर्मन का मतलब हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे ही हिमांक में अवर्मन कहते हैं। जैसे ये प्योर वाटर है तो इसका हिमांक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इसका हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन जब इसी प्योर वाटर में हम सॉल्ट डाल देते हैं, यानी सॉल्ट वाटर यानी एक विलेय बना देते हैं, सॉल्ट एक अवाष्पशील विलेय होता है, जब सॉल्ट उस वाटर में मिलेगा तो उसका जो हिमांक होगा वो इसके हिमांक से नीचे चला जाएगा, यानी इसका हिमांक कम हो जाएगा। तो इस हिमांक में आने वाली कमी को ही हिमांक में अवर्मन कहा जाता है। और ये जो हिमांक में अवर्मन होता है ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवर्मन को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा टी एफ जो होता है ये समानुपाती होता है विलयन की मोललता के, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। और जब इस समानुपाती चिन्ह को यहां से हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है जिसको के एफ कहते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन। तो के एफ जो है एक स्थिरांक होता है जिसको मोलल अवर्मन स्थिरांक कहा जाता है। और इसको जब हम और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये एक नया फॉर्मूला बनता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू, अब ये जो मोललता है इसके फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया जाता है, तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू थाउजेंड, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू। तो ये एक फॉर्मूला बनता है जिससे हिमांक में अवर्मन की गणना की जाती है। तो हिमांक में अवर्मन का मतलब होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे ही हिमांक में अवर्मन कहते हैं। जैसे इस ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं, इस ग्राफ में एक तरफ वाष्प दाब को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ टेम्परेचर को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो शुद्ध विलायक है वो देखिए, उसका जो वाष्प दाब है वो यहाँ पर जा करके इस टेम्परेचर पर द्रव विलायक जो है वो हिमांकित हो पा रहा है, यानी जम पा रहा है। और ये जो है विलयन का टीएफ है, तो ये इस दाब पर जाकर के वाष्प दाब पे इसका हिमांक आ पा रहा है। तो अगर हमको निकालना होगा कि डेल्टा टी एफ कितना होगा, यानी हिमांक में अवर्मन कितना होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टी एफ जीरो में से टी एफ को हम माइनस कर देंगे, यानी जो शुद्ध विलायक का जो हिमांक होगा उसके हिमांक में से विलयन के हिमांक को माइनस करने के बाद डेल्टा टी एफ आएगा, यानी हिमांक में कितना अवर्मन हुआ है इसकी वैल्यू आती है। चलिए अब हिमांक में अवर्मन के बाद आप जानते हैं चौथा अणु संघ के गुणधर्म जिसको कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब को भी जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि परासरण किसे कहते हैं। परासरण की परिभाषा ये होती है कि परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर जाते हैं या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो यदि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर जाते हैं या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को ही परासरण कहा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह कि अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या मतलब, ये क्या होता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एसपीएम है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस झिल्ली का ये विशेष काम होता है कि इससे होकर के केवल विलायक के कण ही इस पार से इस पार चाहे इस पार से इस पार जा सकते हैं, लेकिन कि कोई भी विलेय का कण इसके आर पार नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख पा रहे होंगे इसमें एक तरफ प्योर वाटर लिया गया है जैसे यहाँ देख रहे हैं, बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा गया है, और इधर शुगर सॉल्यूशन है यानी ये विलायक है, विलायक सॉल्वेंट है, और एक तरफ इधर सॉल्यूशन है यानी विलयन है, सॉल्यूशन यानी विलयन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे इन दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाएगा तो जो विलायक के कण होंगे वो इधर विलायक से विलयन की ओर जाने लगेंगे, या अगर हम
एक तरफ तनु विलयन लेते हैं और एक तरफ सांद्र विलयन लेते हैं तो भी ये घटना होती है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं विलाय के कण। अब जब विलाय के कण इधर से इधर जाने लगेंगे तो हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि जाने के बाद इधर पानी का लेवल नीचे हो जाता है और इधर पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि विलाय के कण इधर से इधर जा चुके हैं या जा रहे हैं। तो बस इसी घटना को परासरण कहा जाता है यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो यदि हम किसी बर्तन में हम पानी ले लेते हैं, ये पानी है, और इसमें अगर हम किशमिश को डाल देते हैं, ये है किशमिश, और ये है जल। तो यदि जल में किशमिश को डाल दिया जाता है तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं, 5-7 घंटे या 10 घंटे के बाद हम देखते हैं कि किशमिश जो है पूरी तरह से फूल जाता है। तो यहाँ पे जो घटना घटित हो रही है इसी घटना को परासरण कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो किशमिश है इसके अंदर सांद्र विलयन है या विलयन है और बाहर केवल विलायक है यानी जल है। तो विलायक के कण जो होंगे ये इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली यानी इसकी जो लेयर है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे जल के कण जो होंगे इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस किशमिश के अंदर जाने लगते हैं और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि किशमिश फूल जाती है। बस इसी घटना को परासरण कहा जाता है। तो परासरण को जानने के बाद आप जानते हैं कि परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। देखिए परासरण दाब का मतलब होता है कि परासरण दाब किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब को के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए, अर्थात एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए। जैसे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे एक तरफ सॉल्यूशन यानी विलयन लिया गया है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट यानी विलायक को लिया गया है और दोनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया गया है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो विलायक के कण होंगे वो इधर से इधर जाएंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं। यदि हम इस सॉल्यूशन यानी विलयन की तरफ कोई बाह्य दाब लगाना शुरू करें, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू करें और इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें कि ये इधर से जो विलायक के कण जो आ रहे थे वो आने की प्रक्रिया बंद हो जाए, तो जितना ही बाह्य दाब लगाया जाएगा उस बाह्य दाब को ही उस विलयन का परासरण दाब कहा जाएगा। इस परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई। अब मान लेते हैं जो हम बाहरी प्रेशर लगा रहे हैं उसका मान P का मान यानी एक्सटर्नल प्रेशर का मान कम है और पाई का मान ज्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि अभी भी विलायक के कण इधर से इधर आते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब पाई की वैल्यू अगर P के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, न तो विलायक के कण इधर से इधर आएंगे न तो विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे। तो इसी प्रेशर को ही, जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया गया है उसी एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। यानी इस विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो इस परासरण की क्रिया को पूरी तरह से रोक देता है उस बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। और इस परासरण दाब को निकालने के लिए इसका दिखाने का तरीका पाई होता है और इसका फॉर्मूला होता है वांट ऑफ समीकरण के द्वारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकलता है पाई वी इक्वल NRT, जहाँ पे पाई जो होता है ये होता है परासरण दाब। इसी तरह से जो वी होता है ये होता है आयतन, विलयन का आयतन। स्मॉल एन जो होता है ये होता है विलय के मोल की संख्या या मोलों की संख्या। आर गैस नियतांक होता है, टी जो होता है ये परम ताप होता है। तो इस तरह से परासरण दाब को सॉल्व किया जाता है पाई वी इक्वल NRT से, या पाई वी इक्वल N का वैल्यू अगर हम W/M रख दें तो एक और फॉर्मूला बनता है पाई वी इक्वल W/MRT। इससे अगर हमको M निकालना होता है तो M इक्वल हो जाएगा WRT/πV। तो अगर हमको उस विलय के अणुभार की गणना करनी होती है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस अणुसंघ गुणधर्मों को समझ लिया। अणुसंघ गुणधर्म चार होते हैं, वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब।